छात्रों, मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह। और जैसा कि हम लोग पेपर थ्री में आ चुके हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंदर देखिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो 70% कोर्स से हो रहा है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था, इसके दोष बताएं। एक एक दो दो नंबर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे टिक मार्क के, और बोहर के परमाणु मॉडल को समझाएं, रिडबर्ग के नियतांक का सूत्र दें, और तार कितने प्रकार के होते हैं और स्विच कितने प्रकार के होते हैं। तो आज यही चार क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं, और इसमें आइए देखते हैं परमाणु का मॉडल। तो परमाणु की संरचना तो डाल्टन साहब ने 1803 में की थी। एक नंबर का सवाल, परमाणु सिद्धांत भी इन्होंने दिया था और बताया था कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम एटम परमाणु कहते हैं। 1897 में जे जे टॉम्सन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और इसी समय बेकुरल साहब ने रेडियो एक्टिविटी की भी खोज की थी। और इसका जो है परमाणु का उन्होंने जो है इसकी त्रिज्या को बताया था कि 10^-10 मीटर होती है। एक एक नंबर के सवाल में है। और फिर इसमें टॉम्सन मॉडल साहब, जो टॉम्सन साहब थे, इन्होंने कहा कि परमाणु जो है एक धनावेशित गोला होता है जिसकी त्रिज्या 10^-10 मीटर होती है, और इलेक्ट्रॉन इसमें तरबूजे के बीज की तरह धंसे रहते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। और इस तरह से इन्होंने दिया, जबकि ऐसा था नहीं। तो रदरफोर्ड अगले वैज्ञानिक आए। रदरफोर्ड कब आए? 1911 में आए, और इन्होंने आके बताया कि नहीं साहब, ऐसा नहीं होता, इसके भीतर अधिकांश भाग खोखला होता है और समस्त जो धन आवेश है वो इसके एक केंद्र पर इकट्ठा रहता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। और उसके बाद इन्होंने देखिए प्रैक्टिकल किया, इन्होंने अल्फा कण पॉजिटिव होता है, इसको परमाणु के अंदर जब डाला तो कुछ मुड़ गए, तो चूंकि ये पॉजिटिव था तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो है मुड़ गया, और कुछ सीधे वापस आ गए क्योंकि बीच में नाभिक था, इसलिए अल्फा कण का इनका जो है प्रयोग बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अल्फा कण चूंकि पॉजिटिव था तो इलेक्ट्रॉन उसको घुमा देता था, और जो बीच में धनावेशित इस तरह से था गोला, ये देखिए, तो कुछ सीधे वापस आ जाते थे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को ढकेल देगा, इधर चला जाएगा, और बीच में से कुछ सीधे भी निकल के जा रहे थे, इसका मतलब इसके अंदर खोखला भाग भी है। तो इस तरह के चित्र को भी बना के आप अपने प्रैक्टिकल को समझा सकते हैं कि रदरफोर्ड साहब ने ऐसा देखा कि कुछ बीच में, चूँकि नाभिक है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, तो ये इसको पॉजिटिव पॉजिटिव को वापस धकेल दे रहा था, और कुछ भाग सीधा निकल जा रहा था, और कुछ इलेक्ट्रॉन से टकरा कर तिरछा निकल जा रहा था। तो इस तरह से इन्होंने इसको प्रतिपादित किया अपने प्रयोग को। और 1920 में चैडविक साहब ने, इन्होंने जो है नाभिक में धन आवेशों को ज्ञात किया कि इनका नाभिक में धन आवेशों का परिमाण कितना होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋण है और धन उसका धन है, और साथ में बताया कि जेड जो होता है परमाणु क्रमांक को कहते हैं। इसके बाद तीसरे वैज्ञानिक आए, चूँकि रदरफोर्ड में एक कमी थी कि इनके मॉडल में कि जो है अगर जो मतलब इन्होंने की जो अक्सर पूछता है रदरफोर्ड की कमी क्या थी, तो ये था कि इलेक्ट्रॉन को इन्होंने बताया था कि नाभिक के चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन कुछ निश्चित कक्षा के बारे में नहीं बताया था कि कैसे घूमते हैं, क्यों घूमते हैं। तो कुछ लोगों ने सवाल किया कि भाई कब तक घूमेंगे, और घूमते घूमते ये गिर भी सकते हैं नाभिक के अंदर, तो नाभिक में गिर जाना चाहिए। तो परमाणु के अस्थाई रूप को वो नहीं समझा पाए, और थोड़ा रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर पाए। तो अगला वैज्ञानिक जो आए 1913 में प्रोफेसर नील बोहर, इन्होंने पूरा एकदम इसको प्रतिपादित किया और बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं, एक निश्चित कक्षा होती है और जिसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणक होता है, उसी में ये घूम सकते हैं। और दूसरा इन्होंने इस तरह से मॉडल देखिए यहाँ समझाया इन्होंने कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2n² का फार्मूला भी दिया इन्होंने बोहर साहब ने, और जैसे n कक्षाओं की संख्या है तो पहली कक्षा में n=1 रखिएगा तो 2 आएगा, n=2 रखिएगा तो 8 आएगा, n=3 रखिएगा 3^9 = 27 इस तरह से आएगा। तो ये 2n² बोहर साहब ने दिया, और मुक्त इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर होते हैं, ये बोहर साहब ने इसको बताया समझाया, और यही इनका फाइनल परमाणु का
मॉडल माना गया। रिडबर्न नियतांक अक्सर पूछ देता है, ये फार्मूला आपका याद रखिए, मैं पेज में भी दे दूंगा, एम ई घाते 4/8 एप्साइलन 0 का स्क्वायर, एच प्लांक नियतांक है क्यूब है, और सी प्रकाश का वेग है। तो ये अक्सर पूछ लेता है कि इस सूत्र को बताइए या लिखिए, दो नंबर एक नंबर में आ सकता है, ये सबका बारे में बताइए भी। एम मास है इलेक्ट्रॉन का, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है जिसको 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम कहा जाता है, प्लांक नियतांक है, सी प्रकाश का वेग सब जानते हैं 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये सूत्र हमेशा याद रखिए, मैं पेज में भी इसको दे दे रहा हूँ, और एक एक नंबर के सवाल भी इसके अंदर हैं, वो भी मैं आपको पेज में दे देता हूँ। और दूसरा है वायर एवं स्विच। तो वायर क्या है, धारा को ले जाने वाला जो आपका मार्ग देता है उसे हम वायर कहते हैं। चालक वो है जो विद्युत धारा के, चालक मतलब जैसे लोहाई ले लीजिए आप जिसमें कि धारा का प्रवाह हो जाए। और केबल क्या है, कई तार को जब ऐंठते हैं और एक कई कोर वाला आवरण उसके ऊपर कवर चढ़ाते हैं तो उसे हम केबल कहते हैं। तो आर्मर्ड केबल भी होती है, फ्लेक्सिबल केबल होती है। आइए देखते हैं वायर के प्रकार क्या क्या हैं। तो तांबे का तार तो आप सब लोग जानते हैं, ACSR ये भी फुल फॉर्म पूछ लेता है, एल्युमिनियम कंडक्टर्स स्टील रेनफोर्स्ड ACSR। ये 5-6 एल्युमिनियम तारों को मोड़ के आपस में बनाया जाता है, ये थोड़ा सा महंगा भी होता है लेकिन मजबूत रहता है। जो घरों में हम यूज करते हैं वो गैल्वनाइज्ड आयरन GI वायर यूज करते हैं, इसका विशिष्ट प्रतिरोध तांबे का 8 गुना होता है, और ये 6-8 SWG वायर गेज ये नापने का मानक है। GI किसी भी तार का 8 गेज का है कि 6 गेज का है, तो 6-8 गेज का GI वायर होता है। और फ्यूजिंग विद्युत धारा का मान जो है, इसका क्षमता क्या होगी, तार की मोटाई जितनी अधिक होगी विद्युत धारा उसके अंदर उतनी ही अधिक होगी। तो ये विद्युत फ्यूज वायर जो है हमारा बेसिकली तैयार होता है 63% टिन और 37% सीसा, इसका मिश्र धातु का प्रयोग करके। वैसे हम लोग तो कापर ही जोड़ देते हैं लेकिन ये फ्यूज वायर के लिए अच्छा माना जाता है। और वोल्टेज के आधार पे केबल के बारे में जान लीजिए, तो निम्न वोल्टेज की केबल जो होती है वो 220 वोल्ट होती है, जो आप लोग ट्रांसफार्मर से लेते हैं अपने गांव घर में। और मध्यम वोल्ट केबल जो होती है वो 22 किलो वोल्ट से ज़्यादा होती है, मीडियम वोल्टेज केबल 22 किलो वोल्ट से ज़्यादा होती है, और हाई वोल्टेज केबल जो होती है वो 22 किलो ये कम रहती है मध्यम वाली, और हाई वोल्टेज 22 से ज़्यादा होती है, और एक्स्ट्रा हाई अगर आप लेंगे तो वो 33 किलो वोल्ट की ये पावर स्टेशन वगैरह में यूज़ होती है। और इसके बाद हम केबल के प्रकार में देखें तो VIR केबल, वल्कनाइज इंडिया रबर केबल, और इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। और इसी में आर्मर्ड केबल है, आर्मर्ड केबल किसे कहेंगे, तो आर्मर्ड केबल जिसके ऊपर पूरा चढ़ाया जाता है इंसुलेशन वगैरह, तो ये PVC केबल हैं, देखिए इसके ऊपर आर्मर्ड चढ़ाया हुआ है, तो एक तार है, किसी में 3 है, किसी में ज़्यादा है, तो इसमें कई में येलो ब्लू ब्लैक भी होते हैं, तो ये मोटे तार होते हैं। और इसमें आप देखें तो आर्मर्ड केबल में ये 3 या 4 कोर वाले केबल होते हैं, इसे भूमिगत ज़मीन के अंदर इसे यूज़ किया जाता है कि ताकि ये ख़राब ना हो, 50-100 साल तक पड़े रहें। स्विच क्या होता है, तो स्विच जानते ही आप, धारा के प्रवाह में नियंत्रण करने के लिए या समाप्त कर नियंत्रण या प्रारंभ या समाप्त करने के लिए स्विच लगाते हैं, आप घरों में भी यूज करते हैं। तो कई प्रकार के स्विच होते हैं, एक पोल का स्विच ये आप घर में लगाते हैं, दो पोल का स्विच इस तरह का होता है, दोनों तरफ काम करता है बल्ब के लिए। उसके बाद पुश बटन स्विच होता है, स्विच के प्रकार पूछ सकता है आपसे, तो पुश बटन स्विच है। आप पुल बटन भी स्विच होता है, पुल मतलब सीलिंग खींचने पर पंखा चलने लगता है। उसके बाद आप एक बहुत अच्छा इसके अंदर है, चाकू स्विच या नाइफ स्विच किसे कहते हैं, तो ये देखिए नाइफ स्विच है, ये इधर कर दीजिएगा तो इधर ऑन होगा, इधर कर दीजिएगा तो इधर ऑन ऑफ होगा। तो ये सब स्टेशन पे लगता है, ये 30 से 1000 एम्पियर जहाँ करंट रहती है वहाँ पर इसको प्रयोग किया जाता है। और संरचना के आधार पे तो आप ये देख ही रहे हैं, इस तरह का स्विच है, टम्बलर स्विच है, टॉगलिंग स्विच है, फ्लश टाइप स्विच है, मैं पेज में दे रहा हूँ उसको आप देख भी सकते हैं। और एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट आपके घर में लगा होगा, दो, एक तो लगा होगा रोटरी स्विच जो पंखे में आप यूज करते हैं और इसके घुमा के,
और दूसरा मिनी सर्किट ब्रेकर स्विच होता है, यह आप ये भी आप घर में यूज़ करते हैं, एसी स्टेबलाइजरों में इसका उपयोग होता है, इन्वर्टर में उपयोग होता है, इस तरह से देखने में रहता है वायर एंड स्विच। इसके एक एक दो दो नंबर के सवाल भी आपको हम दे देते हैं पेज में, और यहाँ तक आप पढ़ लें उसके बाद केबल तक, उसके बाद अगला हम प्रतिरोध को लेंगे कल। और साथ ही साथ आप लोगों को सूचना है कि अपने रोल नंबर्स को जो है मेरे पास तो ही, आप अपने रोल नंबर हमें भेज दें, ग्रुप में सारे बच्चे डाल रहे हैं तो आप भी डाल दें, ताकि आप लोगों की मार्कशीट जो है कंप्लीट की जा सके। रोल नंबर के कारण जो है कंप्लीट तो है ही है, और उसमें सिर्फ रोल नंबर थोड़ा सा छूट गया था तो एक कॉलम, तो उसमें रोल नंबर डाल दिया जाए। मैनी मैनी थैंक्स छात्रों, और कोई विशेष हो तो आप मिस कॉल दे के आप हमसे पूछ सकते हैं। प्रतिरोध को हम कल बताएंगे, प्रतिरोध वही धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले को हम प्रतिरोध कहते हैं। आर रेजिस्टेंस मैंने पहले ही बताया था, चौथे पेपर और तीसरा पेपर लगभग बराबर है, और दूसरे को भी पढ़िए अच्छे से और तीसरे को भी, लगभग दोनों क्वेश्चन सेम आते हैं। मैनी मैनी थैंक्स, वीडियो लंबा हो रहा है छात्रों।